सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक कुमार। आप देख रहे हैं कि फोटोग्राफी दोस्तों के चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने साथ साथ नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @m_alok304। तो जल्दी से जल्दी फॉलो करना क्योंकि मैं एडिटिंग मतलब एडिटिंग जो एडिट करता हूँ वहीं पर डालते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आज सिखाने वाला हूँ रिंग लाइट फोटो एडिटिंग। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरह का बैकग्राउंड लेना है, तो इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लें। और जितना कुछ PNG वगैरह यूज करें सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं सिंपली अपना कटआउट ऐड कर लेता हूँ। तो आप लोगों का अगर HD क्वालिटी में कटआउट नहीं आता तो मेरा उसका लिंक मतलब वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लो। तो पहले मैं अपना कटआउट को ऐड करता हूँ। तो दोस्तों सिंपली मैं अपना कटआउट को ऐड कर लिया हूँ। तो सिंपली इसको ठीक तरह से मतलब पोजीशन करके बैठाना है। तो देख सकते हो दोस्तों मैं अपना फोटो को ठीक तरह से बैठा लिया। अब इसको डन करते हैं। तो मैं इसमें एक हेयर का PNG यूज किया था, तो इसको भी सिंपली फिर फोटो कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों मैं अपना हेयर PNG ले आया, यहाँ पे इसको सेटअप करना है तो सिंपली मैं कर लेता हूँ। इसको थोड़ा इरेज करना है, मुझे थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ही लग रहा है वाइट वाइट तो। और इसका जो ओपासिटी है इसको थोड़ा कम करना है, 90 पे रख देता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब इसको डन करते हैं। उसके बाद आपको एक मतलब और एक PNG लेना है, तो सिंपली मैं उसे भी ऐड कर लेता हूँ। इसको सिंपली नीचे लगाना है तो इस तरह जगह पे ताकि धुआं धुआं लगे। तो इसका जो ओपासिटी है इसको थोड़ा कम करना है। हाँ 50 ठीक है, इसको डन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सिंपली मेरा पिक्चर का एडिटिंग हो गया। अब इसको थोड़ा लाइट में जाके कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो इसको सिंपली ड्रॉ टूल में जाके सेव कर लेते हैं। और जितना कुछ मैं PNG वगैरह यूज किया हूँ सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों मैं सेव कर लेता हूँ। सो दोस्तों मैं लाइट रूम में आ गया हूँ। तो पहले आपको जाना है लाइट टूल्स में और इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको कम करना है। तो मैं सिंपली 60 या 70 कम करके देखता हूँ। तो मैं सिंपली 60 हाँ 60 ठीक है। और हाईलाइट इसको इसको 10 इंक्रीज करना है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको जाना है कलर में जाके इसका टेम्परेचर है इसको 4-5 तक इंक्रीज करना है। तो मैं कर लेता हूँ सिंपली। और इसका टिंट है इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको 2 बढ़ाएंगे। और वाइब्रेंस है इसको मैं 45 के आसपास बढ़ा लेता हूँ। हाँ ठीक है, 46 भी ठीक ही है। और इसका सिचुएशन है इसको 12 डिक्रीज करता हूँ। आप लोग के हिसाब से करना, मेरा फ़ोटो में जो अच्छा लगे मैं वही कर रहा हूँ, तो आप लोग फ़ोटो में जैसा लगे आप लोग वो करना। तो उसके बाद आपको कलर मिक्स में जाना है। उसके बाद रेड का जो है इसको इसका जो ह्यू है इसको डिक्रीज करना है। तो मैं सिंपली 10 डिक्रीज करते हैं और सिचुएशन जो है इसको 30 इंक्रीज करते हैं। और सिंपली मैं ऑरेंज में चला जाता हूँ, ऑरेंज का सिचुएशन इसको डाउन करना है। तो इसको मैं 30 डाउन कर लेता हूँ और लुमिनस से इसको बढ़ा लेता हूँ। तो इसको 30 से ऊपर का 35 ठीक है। अब जाना है यहाँ पे, तो येलो का कुछ काम नहीं, ग्रीन का भी कुछ काम नहीं, ओशियन ब्लू में जाना है और इसका सिचुएशन है इसको पूरा डिक्रीज करना है। और डीप ब्लू का भी सिचुएशन है पूरा डिक्रीज करना है। उसके बाद डन। उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट में, इफेक्ट में जाकर टेक्सचर डालना है। तो सिंपली मैं टेक्सचर को इंक्रीज करता हूँ 30 के, ठीक है 32 ठीक है। और क्लियरिटी 10 ऐड कर देता हूँ।
ठीक है, और इसका जो तेज इसको 10 ऐड कर देता हूँ। और भिगनेट है इसको 20 डिक्रीज करता हूँ। अब देख सकते हो दोस्तों फोटो कैसा लग रहा है। और आपको जाना है इसे डिटेल्स में, इसका जो शार्पनेस शार्पनिंग है इसको 40 इंक्रीज करते हैं, और इसका जो नॉइज़ रिडक्शन है इसको 40 इंक्रीज करते हैं। और कलर नॉइज़ रिडक्शन इसको भी 30 इंक्रीज करना है। और इधर जो डिटेल्स है इसको 80 इंक्रीज करना है, और स्मूथनेस को कम करना है 15, मैं 2015 करके दिखता हूँ, 15 ही रखते हैं। और आपको जाना है सिर्फ प्रीसेट में, यहाँ पे जाके आपको कर्व टूल में जाके आपको लिफ्ट शेडो को चूज करना है, उसके बाद आपको राइट करना है, उसके बाद सिंपली आपको जाना है प्रोफाइल्स में, और आपको चूज करना है विंटेज, और आपको विंटेज 02 वाला सिलेक्ट करना है, और इसका जो ओपेसिटी इसको कम करना है, इसको 10 के करीब रखना है। तो मैं सिंपली इसको 10 रख लेता हूँ, उसके बाद डन करना है। तो दोस्तों मेरा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका, तो आप लोग देख सकते हो कैसा लुक लग रहा है, तो आप लोग भी ऐसा एडिटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं एडिटिंग मतलब जो करता हूँ वहीं पर डालते रहता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।